जहां दो ओपनर्स इन फॉर्म हसन नवाज और उनका साथ देंगे इत्तसामुल हक। एक और वजह शोहरत यह भी है कि इंजमामुल हक, द ग्रेट इंजमामुल हक, उनके साहबजादे हैं। रूम दिया है, कट किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। इनफैक्ट होते भी तो उनके सर के ऊपर से चला जाता है ये बॉल 6 रन्स के लिए इब्तिसामुल हक की जानिब से। ये साम का वो तगड़ा बल्ला है जो इन्होंने इनहेरिट किया। ये देखिए, लीजिए जनाब, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत आला। ये देखिए, ये थिक आउटसाइड एज है और उस जगह पर स्टोक को खेला जहां पर इसको वो खेलना चाहते थे। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, अपने आपको रूम दे दिया था और ये डेलिबरेट खेले हैं, प्लेस किया है क्योंकि पेस को इस्तेमाल किया है। अच्छा स्टार्ट, अच्छा ड्राइव किया है थर्ड की जानिब 4 रन्स के लिए। इसी टैलेंट और स्किल की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही टैलेंटेड हैं इत्तिसाम, और पहले ही बॉल पे दिखाते हुए बिल्कुल टिकट तो जाहिर है कि जिससे हमने भी इत्तिसाम से जिक्र भी किया, इनके ब्लड में है। और ये बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर हैं, वही स्ट्रॉन्ग बॉडी है, फिजिक है, गेंद पर कहीं नजर है। और एक शानदार ड्राइव थी ऑफ साइड पर, बिल्कुल बीच ऑफ द बैट, थोड़ा सा बल्ले को घुमाया और उस जगह पर खेला जहां पर फील्डर मौजूद नहीं था। टाइम अच्छा किया, प्लेस अच्छा किया इब्तिसामुल हक ने। अच्छा स्टांस है, अच्छा बैलेंस है, दलेर है, इंटेंट पॉजिटिव है, और यही एक मॉडर्न डे क्रिकेटर की निशानी है। अच्छा स्टार्ट है ये इब्तिसाम की जानिब से, राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। यही आप देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत कमी थी इस चीज की, जो अब शायद मुझे लगता है कि पूरी हो जाएगी। ये मिसफील्ड है, आसानी से चौका दे दिया इब्तिसाम को। एक और खुश नहीं है शहराज खान, और सही खुश नहीं है क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से, इतने लगन से बॉल करते हैं तो आपको सपोर्ट चाहिए होती है फील्डर की। शहराज खान बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन एक कैलकुलेटेड स्टीयर था थर्ड मैन की जानिब इब्तिसाम का, डाइव किया, अभी जरूरत नहीं थी, गेंद को जिस तरीके से ग्रिप करना चाहिए था वैसा किया नहीं, गेंद हाथ से लगने के बाद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर गई। तो इस तरह 4 रन्स हासिल किए इब्तिसाम ने, 10 पर पहुंच गए 6 गेंदों का सामना। वो बनफसे नफीस मैच को देखने के लिए आई हैं। ये गेंद शॉर्ट थी, इसको कट किया, अच्छे तरीके से किया है, टाइम अच्छा किया है। अब दो फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, और ये भी एक कबाट है, एक लीड करता है और जो फॉलो अप फील्डर होता है वो गेंद को हासिल करता है जो फील्डर लीड कर रहा होता है, और इस तरह चौका भी बचता है और पक भी बचता है। अली शबीर के साथ अगली गेंद करेंगे। बड़ी अपील है, बड़ी अपील है, लेकिन लेग स्टंप फिर मिस कर जाएगी और शायद पिच भी लेग स्टंप के बाहर ही हुआ। और ओवर थ्रो, ये खराब क्रिकेट है, ये आसानी से रन दे रहे हैं। इससे पहले हमने एक मिस फील्ड देखा और ये लेग बाय ओवर थ्रो का एक और चौका। वाइड हो जाएगा एक और, ये प्रेशर है फास्ट बॉलर पे क्योंकि बच रहे हैं, दूर कर रहे हैं इब्तिसाम से बॉल, क्योंकि जानते हैं अगर उनके जोन में करेंगे तो इब्तिसाम हिट मारेंगे। अब कद की वजह से वो काफी बेहतर हो सकती है। मना करने के बाद अब तैयारी करेंगे, अच्छा स्टांस है इनका। अच्छा छोड़ा है, ये भी एक अच्छे बैटर की निशानी होती है कि उसको अपने ऑफ स्टंप का पता हो, कौन सा बॉल छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना है। ये थोड़ा बाहर था बॉल, सीधा फील्डर के हाथ में। देखिए वॉरियर्स के लिए ये अच्छा मैच है क्योंकि 2 मैचेस जीत चुके हैं, इसलिए अपना बेंच स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। वो खेल के हवाले से और खेल के मैदान में बेहतरीन मनसूबाबंदी हो सकती है जब आपके सामने खेल हो रहा हो। गैप नहीं तलाश कर पा रहे हैं, ज्यादा स्ट्राइक अभी तक इब्तिसाम के पास रहा है, 10 बॉलों पे 10 रन्स बनाए हैं। जाहिर है कि उसकी उसका तासुर जो है उसे देखा जा सकता है, सब मुतमईन है, सब खुश हैं। इंपॉर्टेंट मैच है, शानदार शॉट है लेकिन फील्डर मौजूद हैं। मोइज़ अकदी बड़े स्टेबल हैं, कूल हैं, इंटेलिजेंट हैं, कप्तान को मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों को मिल रही हैं, चेहरों पर रौनक है, खुशी है, और जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा डिफेंस इब्तिसाम की जानिब से, जैसे सौरान अली शबीर गेंद करेंगे। ये गैप में खेला लेकिन सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा, तो इस तरह
चार ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, वॉरियर 38 फॉर नॉलॉस। नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स मार रहे हैं, कोई स्लॉग नहीं करने की जरूरत पड़ रही क्योंकि रन आ रहे हैं आसानी से और यही कामयाबी है। और प्रेशर जो है वो जीआईसी पे है, सबके चेहरों पर खुशी है, तमानियत है, फख्र है और एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है कि हम भी वहां मौजूद थे जहां पर ये इवेंट खेला जा रहा था। और काफ़ी बड़ी तादाद है इसमें, डीएचए की जो अशाफिया है, अलीट है, वो भी मौजूद है और हमारे नीचे जो ये मेंबर स्टैंड है, ये वीआईपी स्टैंड है, वहाँ पर ख़वातीन भी बैठी हैं, हजरात भी बैठे हुए, बल्कि हजरात में ख़वातीन भी आ जाती हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जो एंटरटेनमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तानी लोगों को मिल रही हैं, चेहरों पर रौनक है, खुशी है और जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा डिफेंस इब्तिसाम की जानिब से, जैसे मैं पहले कह रहा था कि डिसिप्लिन नहीं है जीआईसी की सीनिंग में अभी तक, इसीलिए कोई मुश्किलात नहीं हो रही हैं डीएचए वॉरियर्स के ओपनर्स को, बहुत रेगुलर कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और रन्स फिर भी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 की रन रेट से स्कोर हो रहा है। और आप देखेंगे सिर्फ 17 रन इब्तिसाम ने बनाए, 5 हसन ने, बाकी जो सारे रन हैं वो या वाइड के हैं या ओवर थ्रो के हैं या मिस फील्ड के हैं। तो अगर यहाँ से सीरियसनेस थोड़ी नहीं दिखाएंगे जीआईसी तो बहुत पीछे रह जाएंगे इस मैच में। क्रिकेट बाय नाइट एट जीएचए लाहौर, इस दौरान अली शबीर गेंद करेंगे, ये गैप में खेला लेकिन सिर्फ एक रन का इजाफा होगा। तो इस तरह चार ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, वॉरियर 38 फॉर नॉलॉस। ऑफ्टम के बाहर गेंद, फ्लैशिंग ब्लेड, फील्डर मौजूद थर्ड मैन पर, पहली कामयाबी यहां पर शिराज खान ने, स्पेल में वापस आए और अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। इब्तिसाम उल हक जो जबरदस्त बैटिंग टच में दिखाई दे रहे थे, अब उन्हें वापस डग आउट की जानिब जाना होगा। अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं इब्तिसाम ने, इस दफा भी बैट का फेस ओपन किया लेकिन ये गेंद हवा में गई और सीधा थर्ड के फील्डर के हाथों में। इन्होंने अपनी इनिंग्स का आगाज भी इसी अंदाज से एक चौके के साथ किया था लेकिन इस दफा अपनी विकेट गवा बैठे, 38 पर पहला नुकसान उठाना पड़ा वॉरियर्स को। इब्तिसाम 20 गेंदों पर 18 रन बनाकर वापस जा रहे हैं।